અરુણ જેટલી દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી રહી છે, આવો જોઈએ. 5 વર્ષ કે લીએ ભી હમારી સરકાર ગુજરાત મે બનને વાલી હૈ. જબ યે ચુનાવ આરંભ હુઆ થા તો કાંગ્રેસ કી નીતિ જો થી ઓર ઉનકા જો અભિયાન થા वो विकास विरोधी था. आज तक विश्व के इतिहास में ऐसा अभियान नहीं हुआ जिसमें विकास विरोधी रुख रख के कोई राजनीतिक दल चुनाव लड़ा हो. कांग्रेस ने अपना अभियान विकास विरोधी रुख के साथ आरंभ किया था. भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि गुजरात में विकास की गति को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और अगले 5 साल के लिए भी हमारा वो एजेंडा है. गुजरात को देश और दुनिया के मानचित्र पे हम लोग लाए हैं और ये व्यवस्था हम लोग कायम रखेंगे. लेकिन इस बीच में मुझे लगता है कि कांग्रेस की रणनीति थोड़ी बदली है. और सामाजिक आधार पर प्रदेश की जनसंख्या को बांटना, सोशल डिवाइड क्रिएट करना, उसके आधार पे चुनाव लड़ा जाए, कांग्रेस की रणनीति ये रही है. गुजरात एक प्रगतिशील प्रांत है और किसी भी प्रगतिशील प्रांत में इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति चल नहीं सकती. गुजरात की जनता हमेशा एक रही है. पहले भी जब 80 के दशक में सामाजिक आधार पर समाज को बांटने का प्रयास हुआ तो कुछ समय बाद गुजरात ने एक स्वर में उसको अस्वीकार किया था. और जिस प्रकार की ताकतों को वो इकट्ठा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये चुनाव की बहस अपना स्वर खुद तय कर रही है. एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विकास और स्थिरता का प्रतीक है और दूसरी तरफ जिस प्रकार की ताकतों को लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है वो केवल इस राज्य में अराजकता ला सकते हैं. उसका आरंभ भी अराजकता के साथ हुआ है और मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से विफल रहेगा. गुजरात की जनता उसको अस्वीकार करेगी. आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल्ली में ये कहा गया कि एनडीए की सरकार संसद के सत्र से भाग रही है. इतना ज्ञान कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को होना चाहिए कि कांग्रेस शासन में भी जब जब चुनाव होते थे तो जो विंटर सेशन होता है पार्लियामेंट का, शीतकालीन सत्र, उसकी तारीखें उस प्रकार से एडजस्ट की जाती हैं कि वो चुनाव के साथ ओवरलैप ना करें, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व चुनाव में व्यस्त होता है. जनता के समक्ष जाना और चुनाव में समक्ष जाना राजनीति का एक मूल्य कार्य होता है और इसलिए जब सारा नेतृत्व, सभी सांसद जनता के बीच में हो तो इलेक्शंस और सेशन ओवरलैप न करें. कांग्रेस के शासन में भी ये हुआ और इसके कई उदाहरण हैं. इसलिए निश्चित रूप से शीतकालीन सत्र होगा. कुछ ही दिनों में सरकार उसकी तारीखें घोषित कर देंगी और जो भी विषय सरकार की तरफ से होंगे या विपक्ष चाहेगा, निश्चित रूप से उनके ऊपर चर्चा होगी. मुझे केवल इतना ही कहना था. आपको कुछ
बिल्कुल पॉजिटिव रहेगी। धीरे धीरे जीएसटी काउंसिल उसके सभी रेट्स को रैशनलाइज कर रही है और 3-4 महीने में इतने रेट्स रैशनलाइज हुए हैं जो 50-60 साल से दे रहे थे लोग कांग्रेस के जमाने में, उससे कम हो रहे हैं। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है कि ये रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी। मैनिफेस्टो लगभग तैयार है, आज मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक भी हुई, उसकी तारीख हम 1-2 दिन में घोषित कर देंगे। देखिए, आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है और ये 50% की जो सीमा है ये सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हुई है और इस 50% की सीमा का उल्लंघन करना या स्वयं को धोखा देना है या दूसरे को धोखा देना है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान का एक मसला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने दोहरा दिया कि जो कानून बनाना है बनाइए, लेकिन 50% की सीमा आप पार नहीं कर सकते। और इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि ये कोई उस सीमा को पार करने की बात करता है तो केवल चुनाव की दृष्टि से स्वयं को और जनता को गलत बयान कर धोखा देने का प्रयास है। देखिए, उसके बाद कई चुनाव हो चुके हैं और हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी खूब बड़ी मात्रा से जीती है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत हमारी होगी इस चुनाव में। ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। राहुल गांधी के प्रभाव, उनके प्रचार और प्रसार से क्या गुजरात की जनता का वही असर होगा जो उत्तर प्रदेश में हुआ था। आभार। विकास का विरोध नीति है, अरुण जेटली कांग्रेस पर प्रहार कराया छे, विकास सच अमारो एजेंडा छे, अरुण जेटली आ बात कही छे। हवे कांग्रेस की रणनीति बदलाई गई छे, अरुण जेटलीए सीधो कांग्रेस पर प्रहार कर्यो छे। कांग्रेसनी नीति विकासना विरोधी नीति छे अने गुजरातमां भाजप सारी रीते जीती जशे एवो आशावाद पण अरुण जेटलीए व्यक्त कर्यो छे। तो हवे कांग्रेसनी रणनीति बदलाई गई छे, अरुण जेटलीए कांग्रेस पर प्रहार कर्या छे।